खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किशोर धनराज सिंह द्वारा हजारों ज्येष्ठ नागरिकों को मुफ्त छाता वितरण किया गया। मुंबई कांग्रेस द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष में मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप के मार्गदर्शन में उत्तर मुंबई जिला के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर किशोर सिंह ने हजारों ज्येष्ठ नागरिकों को मुफ्त में छतरी वितरण किया। इस अवसर का लाभ दहिसर और बोरीवली के ज्येष्ठ नागरिकों ने किया और कार्यक्रम की सराहना की। पेश है कार्यक्रम और हमारी यह विशेष रिपोर्ट। ये जो सोच है वो हमारे पार्टी के इस क्षेत्र के नेता आदरणीय किशोर सिंह जी की सोच है और वो हर साल इस प्रकार से छाता वाटप का कार्यक्रम, नोटबुक का वाटप, उसी तरह से बैग्स का वितरण और विद्यार्थियों को मदद करने का काम किशोर सिंह जी हमेशा करते आए हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी के नेतृत्व में, चरण सिंह सफरा जी के नेतृत्व में पूरे मुंबई शहर में इसी प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन का काम अगर किसी पार्टी ने किया था वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। और ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए कोई काम नहीं करती है, लोगों की सेवा के लिए काम करती है। और इसीलिए हम सब मिल करके यहाँ किशोर सिंह जी को धन्यवाद देते हैं। यहाँ हमारे बीच में कार्याध्यक्ष राजपत यादव जी, धनंजय जुन्नरकर जी और संजय जी और भूषण पाटिल जी और संदेश कोंडविलकर और मुंबई कांग्रेस के सारे नेता आज यहाँ पर उनको एकत्रित करने का काम भी किशोर सिंह जी ने किया है और एक अच्छा वातावरण यहाँ किया है कि जो बुजुर्ग है जिनको छाता की आवश्यकता है और जिनकी छत्रछाया में हम लोग हैं, ऐसे कार्यक्रम में आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ किशोर सिंह जी को और मीडिया के माध्यम से। इस प्रकार के कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी हर जगह पर करे और जो जो संस्थाएँ हैं सामाजिक इस प्रकार की सेवा के काम में लगे। इसी साथ में मेरे दोष पूरे कर लूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर किशोर सिंह जी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कोरोना महामारी के इस भयंकर जो प्रकोप रहा है दो साल लोगों में, दो साल में लोग जो परेशानी रहे हैं, यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों को मदद करने के लिए उन्होंने छतरी वितरण का कार्यक्रम किया, उसके लिए अभिनंदन करता हूँ। मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, हमेशा राजकारण हम नहीं करते। हमारा काम है समाज की सेवा करना, समाज के लोगों के दुख तकलीफ जिसमें भी रहे हम सहभागी होते रहते हैं। आपने देखा होगा कोरोना महामारी के समय में भी ब्लड डोनेशन का कैंप हो, ट्रेन से लोगों का भेजने का काम हो या अनाज बांटने का कार्यक्रम हो, यहाँ पे किशोर सिंह जी ने भी किया, पूरे कांग्रेस पार्टी ने किया। और भाई जगताप जी के नेतृत्व में, चरण सिंह सप्रा जी के नेतृत्व में, असलंग सेब जी के नेतृत्व में, वर्षा ताई गायकवाड़ जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि पूरे मुंबई शहर में एम्बुलेंस की सुविधा, फ्री सुविधा कोरोना महामारी में दी गई थी। तो कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और उस विचारधारा में एक ही रहता है कि जो इस देश में रहने वाले हैं सभी लोगों का विकास हो, सभी लोगों को साथ में लेकर चले। सीनियर सिटीजन जो है, जो मेरा मानना है, वो चाहे किसी भी घर का हो, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, उसकी यथास्थिति के बारे में कोई नहीं जानता। तो मेरा तो मानना यही है कि उन सीनियर सिटीजन को, उन वरिष्ठ नागरिकों को हम छतरी दे करके कहीं ना कहीं उसको हम लोग सम्मान देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और मुंबई कांग्रेस इस मामले में बहुत आगे रहती है, सारी पार्टियाँ एक तरफ, कांग्रेस पार्टी एक तरफ, हमेशा हर व्यक्ति के साथ में है, आम आदमी के साथ में है, आम जनता के साथ में है। और हमको जब उनका आशीर्वाद रियल में मिल जाएगा, असल में मिल जाएगा, कांग्रेस पार्टी को कोई माई कला हरा नहीं पाएगा। आज 500, हम 500 वरिष्ठ नागरिकों को छतरी बांट रहे हैं। ये लगभग आज हमको लगता है 18 से 20 साल होने को आ गया। 18-20 साल से मैं वरिष्ठ नागरिकों को छतरी और सस्ते दरों में नोटबुक और स्कूल के बच्चों को, उनको हम स्कूल बैग का भी वितरण करते ही हैं। एक हमारा एक कहते हैं ना, एक मदद है। हम करने वाले कौन होते हैं, करने वाले ऊपर वाला बैठा हुआ भगवान है, हम बस एक निमित्त मात्र हैं, कुछ उनको मदद कर देते हैं। ये हमने लगभग बताया ही है, 19 जून को हमारा राहुल गांधी का बर्थडे रहता है, उस दिन हमारा कोई ना कोई कार्यक्रम होना ही होना है, चाहे वो नोटबुक का होगा, चाहे छतरी वितरण का होगा, और उसके आसपास इसका भी होता है। जून महीने में ही होता है, बहुत होगा जुलाई होगा, क्योंकि यही बारिश का समय है।
आने वाले 24 तारीख को 11 से 2 बजे के बीच में दहीसर में राजश्री हॉल में आई चेकअप का कैंप रखा गया है। सभी लोगों से निवेदन है उस दिन जरूर आइए। किशोर सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है। आज का दिन अगर आप देखेंगे आषाढ़ी एकादशी और रमजान ईद का दिन है, तो लोगों को एक भेंट एक शुभकामनाएं देने के हेतु से यह बहुत ही सुंदर और कुछ कार्यक्रम रखा गया है। डॉक्टर किशोर सिंह जी के अगर आप देखेंगे तो बुक वितरण बच्चों के थ्रू बुक वितरण से लेके बुजुर्गों तक छतरी वितरण का कार्यक्रम आयोजन करते रहते हैं और पार्टी का कार्य बढ़ाते रहते हैं। इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं भी कर देता हूँ।